नमस्कार, बीएड सेकंड ईयर थर्ड पेपर। और हम लोग जो बात कर रहे थे वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्यायों की बात कर रहे थे, जो कि 7 अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके अंदर जो बातें थी उनको हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि बाल अधिकारों पर अभिशाप, मतलब कि जो बच्चों के लिए अधिकार बनाए गए हैं अध्यायों में तो कहा गया है कि ये किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए, अब उनसे संबंधित जो कदम उठाए गए उनके बारे में। तो अभी समय यानी क्या होता है, एक निश्चय करना। अभी समय का अर्थ होता है एक निश्चित कार्य करना या किसी कार्य को निश्चित करना या निश्चय लेना, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे समावेशी से संबंधित विशेष अनुच्छेद, ठीक है। तो क्या निश्चय किया गया है, कौन से विशेष अनुच्छेद बनाए गए हैं समावेशी शिक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा कौन से है, तो क्लियर हो चुका है कि जहाँ पर ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत सामान्य और विशेष दोनों बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब इससे संबंधित कौन से अनुच्छेद बनाए गए हैं, और हमें अभिभावकों को और जो विद्यार्थी हैं प्रशासन है उन्हें किस प्रकार इन अनुच्छेदों की पालना करनी है। तो पहला जो अनुच्छेद बनाया गया है समान अधिकारों की व्यवस्था, समान अधिकारों की व्यवस्था। अब समान अधिकारों की व्यवस्था, देखिए बात आप समावेशी शिक्षा की कर रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या बताया गया है, समान अधिकारों की व्यवस्था। जो अपवंचित हैं, पिछड़े हैं, जो विकलांगता युक्त बालक है उन्हें सामान्य जो बालक है उनके समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि कोई भी सामान्य बालक जो जो कार्य कर रहा है, जो जिसके लिए उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वही स्वतंत्रता एक जो विशिष्ट बालक है उसे भी प्रदान की जाए। मतलब कि अधिकारों के अंतर्गत भी समानता बताई गई है कि आप जिस प्रकार सामान्य बालक को प्रवेश दे रहे हो उसी प्रकार आपको विशिष्ट बालक को भी प्रवेश देना है। जिस प्रकार आप कक्षा में सामान्य बालकों को पढ़ा रहे हो वैसे विशिष्ट बालकों को भी पढ़ाना है। आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है। जिस प्रकार उनके अधिकार हैं बोलने का, कहने का, चलने का, जिस प्रकार एक सामान्य बालक जो अपनी गतिविधियां करता है, अपनी एक्टिविटी करता है, उसी प्रकार एक विशिष्ट बालक को भी वो एक्टिविटी करने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। मतलब कि सभी प्रकार से उसे समान रूप से देखा जाए, उसे समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। ये अनुच्छेद की बात कही गई है। दूसरी बात है समान शिक्षा की व्यवस्था, समान शिक्षा की व्यवस्था। देखिए समान शिक्षा की व्यवस्था की बात यहाँ पर होगी ही, क्योंकि बात ही समावेशी शिक्षा की है जहाँ पर सामान्य और विशिष्ट बालक साथ में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा कैसी होगी, समान। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई विद्यार्थी है वो विशिष्ट विकलांगता से ग्रसित है तो उसके लिए विशिष्ट शिक्षक लाए जाएंगे, विशिष्ट पाठ्यक्रम उसे पढ़ाया जाएगा। तो सामान्य बालकों के साथ ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर सामान्य विशिष्ट दोनों बालक पढ़ रहे हैं और विशिष्टता भी बालकों की अलग अलग है। मतलब कि जो अगर मान लो कोई विकलांगता से ग्रसित बालक है तो उसकी विकलांगता भी अलग अलग प्रकार की, क्योंकि आप किसी भी बच्चों का एडमिशन देने से मना नहीं कर रहे हो। तो सभी प्रकार के बालक उस कक्षा में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बात क्या है कि जो भी पाठ्यक्रम निश्चित किया जाएगा वो औसत के आधार पर निर्धारित किया जाए, जिससे कि सामान्य बालक और ग्रसित बालक दोनों उसमें अध्ययन कर सके। सपोज अगर मैं प्रश्न पत्र की बात करें तो उसके अंतर्गत सामान्य, मध्यम और फिर उच्च कैटेगरी के सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो एज इट सभी कर लेते हैं, औसत के अंतर्गत कुछ बालक उसे कर पाते हैं। और अगर हम बात करें उच्च कैटेगरी के तो वो मेरिट वाले जो बच्चे होते हैं जिनकी जो प्रतिभाशाली बालकों की कैटेगरी में आते हैं वही उन प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो शिक्षा की भी वही व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी को समान रूप से देखते हुए उस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षक है वो भी विद्यार्थियों को समान रूप से देखे, उनके साथ किसी भी प्रकार का दुराचार ना करें, उन्हें किसी भी प्रकार की उनका हनन नहीं होना चाहिए। तो समान शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट पार्ट है समान मनोरंजन की व्यवस्था, समान मनोरंजन की व्यवस्था। अगली बात कही गई है कि समान मनोरंजन की व्यवस्था, क्योंकि जो शिक्षा का अव्यवस्था है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को
अंतर्गत होनी चाहिए, ये अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रुचियों का विकास। व्यक्तिगत रुचियों का विकास, अब व्यक्तिगत रुचियों का विकास पर क्या ध्यान देना चाहिए? तो सामान्य विशिष्ट बालकों की रुचियां भी अलग अलग होगी, कहीं पर सामान्य हो सकती है, कहीं पर अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन एक अध्यापक को, एक विद्यालय व्यवस्थापक को और अभिभावकों को हमें क्या करना है, जो नियम बताए गए हैं, जो अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई है, उसी के आधार पर विद्यार्थियों को अपनी रुचि से हर प्रकार की जो प्रतिक्रिया है करने देनी चाहिए, कि बच्चे हैं वो अपने अनुसार किसी क्रिया को करें जिससे कि उनके अंदर जो निहित रुचि है वो सामने आए और पता चले। जैसे कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर सब्जेक्ट की बात कर लें तो सब्जेक्ट के कारण वो बच्चा है आगे जाकर अपने व्यवसाय से जुड़ेगा, तो क्यों ना उसे हम अभी से उसकी रुचि के अनुसार ही पढ़ाए, उसी विषय जिस विषय को विषय में वो रुचि रखता है उसी विषय से उसे आगे बढ़ाए, यानी मतलब कि उस विषय से संबंधित उसे और मोटिवेशन दे, यानी कि उसका विकास और आगे बढ़ता जाए, क्योंकि वो रुचि रख रहा है तो उसे पढ़ने में अन्य जगह से उनका कलेक्शन करने में उसे रुचि उत्पन्न होगी। तो एक अध्यापक ये ध्यान रख सकता है कि उसे बढ़ावा दे, अभिभावक है वो उसे इस कार्य में सहयोग दे सकता है, विद्यालय प्रशासन है वो समय समय पर उसे सम्मानित करके आगे बढ़ा सकता है। सहभागिता निभानी होगी तभी एक बच्चे की रुचि का विकास हो सकेगा। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास की योजना। सर्वांगीण विकास विकास की योजना, अब जो शिक्षा की हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की, तो शिक्षा का शिक्षा की जो योजना है पाठ्यक्रम निर्माण की हो, विद्यालय व्यवस्था से संबंधित हो, अन्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो, वो योजना कैसी होनी चाहिए, कैसी जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसा नहीं कि बालक केवल पढ़ रहा है तो मानसिक तौर पर उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाया जा रहा है, नहीं, उसे खेलकूद से भी संबंधित किया जाए जिससे कि उसको शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास भी संभव है उससे। तो अगर केवल उसका उसका ज्ञान वर्धन न करके केवल उसे शिक्षा के माध्यम से उसको पढ़ा पढ़ा कर आगे नहीं बढ़ाना है, देखते हुए अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए। अब विद्यालय गतिविधियों का गतिविधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, प्रार्थना सभा है, बाल सभा है, और वो जी क्रियाएं होती है साहित्यिक क्रिया, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की जो हमने बात की थी, वो सारी क्रियाओं के माध्यम से जब विद्यालय में विद्यालय की योजनाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को जोड़ा जाएगा तो बालक का सर्वांगीण विकास उन क्रियाओं से संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता, अब विचारों की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो शिक्षक है वो बालक के विचारों को स्वीकार करे, ऐसा नहीं कि उन्हें कह रहे हैं वैसे आपको कार्य करना, नहीं, लेकिन जो विचार उनके उनके बाद वो रखते हैं, जो विद्यार्थी हैं वो जो जिस प्रकार के विचार रखते हैं वो उनको ले तो सही, केवल लेकर देखे वो किस प्रकार के विचार हैं उनके, तो विचारों को अगर अध्यापक लेगा तो उससे क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ शिक्षक ने मेरी बात रखी है, तो वो उसे आगे बढ़ाने के लिए उसके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कार्य करेगा। लेकिन अगर एक अध्यापक है कक्षा कक्ष में भी एक बालक को अपने विचार भी रखता है, उसे प्रताड़ित कर देता है, उसे डांट देता है, तो बालक बैग चला जाता है, उसकी जो पढ़ाई के प्रति जो उसका रुझान होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसीलिए इसलिए कहा गया है कि अध्यापक को बालकों के विचारों को स्वीकार करना है, स्वतंत्र पहले तो स्वतंत्रता देनी है कि वो कह सके। एक अध्यापक एक कक्षा में जाता है पूर्ण नियंत्रण के साथ, वो डांटता है, बैठा रहता है कक्षा को चुप करके फिर पढ़ाता है, लेकिन वो आत्मनिर्भर कक्षा नहीं कहलाएगी। एक अध्यापक को कक्षा कक्ष में उसकी जो इमेज है वो ऐसी बनानी चाहिए कि कक्षा स्वयं में नियंत्रित हो, आत्मनिर्भर कक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डांट कर सरकार को मार्ग को उन्हें नियंत्रित करना पड़े। तो इससे क्या होगा कि सामान्य बालक तो डर ही रहे और विशिष्ट बालक है क्योंकि उसमें कमी है तो वो बेचारा और पीछे चला जाता है। तो विचारों की स्वतंत्रता एक ऐसा माध्यम है जिससे कि बालक को आगे बढ़ाने में हमें लाभ होगा या फिर आगे बढ़ाने की सुविधा हमें
नहीं जानेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि उसको करना क्या चाहता है। ठीक है, तो बालक के विचारों को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करते हुए किसी कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात बताई गई है। फिर है नेक्स्ट है विद्यालय में सम्मान। विद्यालय में सम्मान, अब विद्यालय में सम्मान कैसे, तो सम्मान की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बाल विशिष्ट बालक होते हैं, क्योंकि हम सामान्य बालकों को तो हर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आया है हमारा समावेशी शिक्षा का, जो आपका विषय है वो समावेशी शिक्षा है और समावेशी विद्यालय की बात कर रहे हैं हम। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम यहाँ पर विशिष्ट बालकों को ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सामान्य बालक है वो हर जगह पढ़ सकता है और विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है, क्योंकि वो बालक अपने आप को सामान्य की शुरुआती नहीं समझ सकते हैं। सामान्य बालक है उनके साथ पढ़ने में उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है वो क्या है, विशिष्ट और सामान्य बालकों को साथ में पढ़ाना। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें इन दोनों को साथ में रखकर देखना होगा। तो हम बात कर रहे हैं विद्यालय में सम्मान की, तो विद्यालय में सम्मान किस प्रकार मिलेगा, तो वो बालक है तो विद्यार्थी है जो समय समय पर जो जो किसी प्रकार की जो एक्टिविटी करता है या फिर हो सकता है शैक्षिक निष्पत्ति अच्छी है तो समय समय पर उसे सम्मानित किया जाए। छोटे छोटे समय जैसे 5 सालों में अगर उसने कोई एक्टिविटी करी तो उसको सम्मानित किया जाए कि भाई हाँ इसने किया, प्रथम द्वितीय तृतीय या सांत्वना, जिस प्रकार का पुरस्कार नहीं होना सही, केवल उन्हें स्टेज पर लाकर खड़ा तो किया जाए जिससे कि उनके अंतर्गत सम्मान की भावना आए कि हम भी दुनिया की नज़रों में सम्मान की दृष्टि से माने जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पिछड़ा समझते हैं इसीलिए। ठीक है, तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो आज जो उसने कार्य किया है अगली बार वो उस कार्य को और अच्छे तरीके से करेगा। तो विद्यालय में समय समय पर जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर उन बालकों को सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो बालक पढ़ ही नहीं रहा था, शिक्षा के मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हो गया था। सरकार ने उन्हें जैसे तैसे जोड़ा है शिक्षा से, तो शिक्षा से जोड़ते हुए उसे आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय में सम्मान की अगर व्यवस्था की जाएगी तो वो बालक आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है समाज में सम्मान। समाज में सम्मान, अगली बात है समाज में सम्मान, मतलब कि अब समाज में सम्मान की बात कैसे पा सकते हैं, तो हमने पहले ही बात की कि जो निश्चय किया गया अभी समय ही निश्चय के अंतर्गत समावेश शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या बात की, समाज में सम्मान। अब समाज में सम्मान तो हमने यहाँ पे अभिभावकों को भी लिया है, विद्यालय को भी लिया है, शिक्षक को भी लिया है। ठीक है, और विद्यार्थी स्वयं भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। तो अगर समाज में सम्मान की स्थिति इनकी होगी, समाज में सम्मान की दृष्टि से इन्हें देखा जाएगा। अब वो कैसे समाज का सम्मान करेगा, तो समय समय पर जब प्रतियोगिता वगैरह आयोजित की जाए तो अभिभावकों को भी वहाँ बुलाया जाए जिससे कि वो इन चीज़ों को देखेंगे और अपने बच्चों के लिए भी वो इनके प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदलेंगे। उनका ये मानना होता है अभिभावकों का कि हमारा बालक एक किसान कैसे पढ़ेगा, अध्यापक तो इनको ही समय देगा, हमारे बालक को कौन पढ़ेगा, मतलब कि वो जो सोच है वो सारी बदल जाएगी, क्योंकि जब इनको देखेंगे वो सामान्य बालकों के साथ अपना कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य बालक तो सामान्य है और विशिष्ट बालक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी वो उनके सामने समक्ष खड़ा होकर वो कार्य कर रहा है। जब ऐसी चीज़ों को समाज के दायरे में लाया जाएगा, समाज को दिखाया जाएगा, तो समाज से मोटिवेट होगा और इन बालकों का वो समय समय पर सम्मान करेगा। अलग अलग प्रोग्राम जैसे कि हम देखते हैं कि समाज के अंदर विशेष समाजों से संबंधित प्रोग्राम किए जाते हैं, वहाँ पर 70% 80% वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है, या फिर कोई खेल में प्रतियोगिता में आगे होता है उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है। तो ये सारे प्रोग्रामों के अंतर्गत इन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा, तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे और यही अभिभावकों का सहयोग होगा, क्योंकि अभिभावक आए उन्होंने देखा तभी तो इस प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने आयोजित करवाए हैं। नेक्स्ट है समान सहभागिता। समान सहभागिता, समान सहभागिता, सहभागिता मतलब साथ में रहकर किसी कार्य को करना, सह मतलब कि साथ में भागीदारी करना, वो सहभागिता कहलाती है। अब समान मतलब कि कक्षा के अंतर्गत देखें तो किसी कार्य को करना है तो सब मिलकर कार्य करेंगे, फिर कोई एक्टिविटी होती है तो कार्य में भी बच्चे यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे हैं तो सभी को कार्य बांट दिया जाए। भाई अगर वो अकेला नहीं कर पाता है बालक तो उसके साथ एक किसी को हेल्प के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो विशिष्ट बालक है तो उनको एक
विकास, आत्मसम्मान की भावना का विकास। अब आत्मसम्मान की आत्मविश्वास की भावना का विकास, आत्मविश्वास जब तक आप इनको कोई कार्य दोगे नहीं तो इनको कैसे विश्वास होगा कि मैं ये कार्य कर पाऊँ, क्योंकि बच्चों की झीलें अभी खुली नहीं है। हमने क्या कहा, सहभागिता से कार्य करवाया जाए, सहभागिता से कार्य करवाया जाएगा तो ये खुलकर सामने आएंगे। जो कार्य इन्होंने साथ में मिलकर किया है फिर ये अपने आप में उस कार्य को करने में सक्षम हो सकेंगे। ये बालक खुद कहेंगे कि मैडम या सर ये कार्य मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। तो ये आत्मविश्वास तो हुआ कि बच्चा स्वयं कह रहा है कि इस कार्य को मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तो जब सहभागिता से उसे कार्य करवाया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये बच्चा खड़ा होकर कहेगा, अब पूरे विश्वास के साथ आत्मविश्वास के साथ कहेगा कि सर या मैडम मैं कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। तो आत्मविश्वास के अंतर्गत अगर आत्मविश्वास के अवसर इसे प्रदान किए जाएंगे तो इसके अंतर्गत बालकों के अंतर्गत आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट है विशेष देखभाल की व्यवस्था। विशेष देखभाल की, विशेष देखभाल की व्यवस्था, विशेष देखभाल की व्यवस्था। अब विशेष देखभाल की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है, तो जो सरकार ने समावेशी विद्यालय की अभी तक जो स्थापना की गई है उसके अंतर्गत एक स्पेशल टीचर की व्यवस्था की जाती है वहाँ पर। स्पेशल टीचर मतलब जो स्पेशल बीएड किया हुआ, स्पेशल एसटीसी किया हुआ जो शिक्षक होता है उसकी व्यवस्था, क्योंकि वो फिजिकल वाले जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो वो इन बालकों को किस प्रकार ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार पढ़ाया जाता है, किस प्रकार इनके जो इनका विकास किस प्रकार किया जाता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हुई होती है। इसीलिए वहाँ पर उस विद्यालय के अंदर कम से कम एक अध्यापक तो फिजिकल वाला विशेष अध्यापक को वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा समावेशी विद्यालय के अंतर्गत एक जो समय समय पर एक शिक्षक चिकित्सक की व्यवस्था की जाती है, जो समय समय पर आकर इन बालकों की जाँच करता है, इनसे संबंधित जो कठिनाई होती है, जो समस्या होती है उनसे संबंधित उसका निराकरण भी वो करता है। तो विशेष देखभाल की व्यवस्था विद्यालय के अंतर्गत भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत की जानी है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भरता का विकास, अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि इन बालकों के अंतर्गत आत्मनिर्भरता का विकास भी करना है, मतलब कि ये आत्मनिर्भर हो सके। अगर इन्हें चलना है तो जो बैसाखी वगैरह होती है, साइकिल वगैरह होती है, उनसे ये स्वयं चल सके, इन्हें कोई लाने ले जाने वाले की समस्या ना हो। इसीलिए इन्हें समय समय पर इस प्रकार का जो शारीरिक व्यायाम वगैरह होते हैं, कोई एक्टिविटी होती है वो, क्योंकि हमने चिकित्सक की बात करी कि विशेष देखभाल के लिए चिकित्सक होता है, चिकित्सक परामर्श देगा और अध्यापक है वो बच्चों को निर्देश देगा कि आपको इस प्रकार का कार्य करना है क्योंकि आपकी समस्या आ रही है। जो चिकित्सक है उसे समस्या का पता लगाया, फिर अध्यापक को बताया कि भाई इसकी समस्या इस कारण हो रही है, आप इसे इस प्रकार से ट्रीट करें तो ये बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो अध्यापक चिकित्सा के परामर्श के हिसाब से वो क्या बनेगा बालक, आज नहीं तो आने वाले कल के अंदर वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। वो स्वयं जिस प्रकार आज उसे किसी की सहायता लेते हुए चलना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो खुद अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से, जो विकलांग बच्चों के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर किसी के अंदर जो विकलांगता होती है उससे संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके माध्यम से वो स्वयं चल सकेंगे। जैसे वो श्रवण बाधित है तो बच्चे के अंदर इंस्ट्रूमेंट है भाई, आज तो उसे किसी कॉपी में देख देख के कार्य करना पड़ा है क्योंकि वो देख तो रहा ही है केवल उसकी सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो सुन तो नहीं पा रहा है लेकिन वो देख देख के कार्य कर रहा है। लेकिन उसको अगर मशीन की व्यवस्था वहाँ करवा दी जाएगी तो क्या होगा कि वो सुनकर उस कार्य को कर सकेगा। तो वही बात है कि बालक है वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, अध्यापक के मोटिवेशन से जो समय समय पर जो उसकी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी और बालक है वो क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वाग्रहों का उन्मूलन। पूर्वाग्रहों का उन्मूलन, पूर्वाग्रहों का उन्मूलन की बात इस अनुच्छेद में ये बताई गई है कि जो छोटी सोच रखते हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा
शिक्षा के अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जो पूर्वाग्रह रखने वाले व्यक्ति है, समाज है और पेरेंट्स वगैरह जो भी है उनका उन्मूलन कर रहा है, मतलब उनको ढूंढ कर लाना है, मतलब कि वो हमारे होते हमारे सामने है। क्योंकि जब हम सामान्य बालकों के साथ विशेष बालकों को पढ़ाते हैं तब वो वही इन बालकों को हंसी का पात्र बनाते हैं, ठीक है, उनकी सोच के कारण वो हंसी का पात्र बनाते हैं। जब उनके सामने ये बालक कुछ बनकर खड़ा हो जाएगा तो उनकी जो सोच है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, तो उनका उन्मूलन किया जाएगा इसके माध्यम से। नेक्स्ट है पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था। पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था, अब कॉन्सेप्ट से आप हम लोग समझ ही चुके हैं कि पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था कैसे, क्योंकि जैसे कि हमने बात की जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही सोचेगा, तो इन बालकों के लिए जो जैसी सोच रखता है, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर प्रताड़ना मिलेगी। क्योंकि जब बालक सक्षम रूप से उनके सामने खड़ा होगा एक प्रतिष्ठा, उसे अपनी प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि अभी तक उसे गलत सोच से देखा जा रहा था कि कुछ कर नहीं सकता है, आप क्या कर लोगे, क्योंकि होती है बहुत से लोगों की सोच होती है कि वो क्या करते हैं अपना नाम कमाने के लिए, अभी विद्यालय वाला है तो वो क्या करेगा कि अपना मुझे मेरा नाम आगे बढ़ाना है, तो इन बालकों को क्यों अपने शिक्षकों को व्यर्थ ही पढ़ाने के लिए बोलेगा कि क्या पढ़ा दो, ठीक है, वो इस प्रकार की भावना रखते हैं। लेकिन जब ये बालक मेरिट में अपना नंबर लाएंगे तब उस विद्यालय का जब नाम रोशन होगा तब उनका भी मुंह बंद हो जाएगा, यानी कि वो भी जो सोच है उनकी वो भी सोच बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, पुनः प्रतिष्ठा की व्यवस्था हो रही है इस अनुच्छेद के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर सामान्य के साथ विशेष बालकों को पढ़ाया जा रहा है, सभी प्रकार की गतिविधियां करवाई जा रही है। तो जैसा कि हमने देखा इन बिंदुओं के माध्यम से लोगों ने समझा कि विशेष अनुच्छेद में ये सारी बातें बताई गई है कि जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बात रखी गई है, ठीक है, तो इनसे इनसे क्या स्पष्ट हो रहा है, तो इनसे स्पष्ट हो रहा है कि बाल अधिकारों पर जितने भी अभिसम है निर्धारित किए गए हैं उनका प्रमुख उद्देश्य समावेशी शिक्षा क्या है, इन सबका क्या उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा है उसकी व्यवस्था एवं समावेशी विद्यालयों की स्थापना करना है। ये सारे उद्देश्य है, इनको कब कैसे पूरा किया जाएगा, जब समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होगी और समावेशी विद्यालयों की स्थापना होगी, क्योंकि हम सामान्य बालकों जैसे कि अब ये विशिष्ट विद्यालय जो स्थापना की जा रही है तो क्या ये सामान्य विद्यालय बंद कर दिए जाए और फिर विशिष्ट विद्यालय खोले जाए, तो क्यों ना इन विद्यालयों को ही हम समावेशी विद्यालय बना लें, क्योंकि सरकार की जो आरटी की धारा उसके तहत आप किसी भी विद्यार्थी को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो 25% आरक्षण भी दिया गया है, तो क्या वो विद्यार्थी उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो ये बिंदुओं के माध्यम से अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा समावेशी शिक्षा विद्यालयों की स्थापना हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। बाल अधिकार पर अभिसमय के बारे में वर्णन करें, ठीक है, इसका मतलब क्या है, निश्चय करना, जो निश्चय किया गया है उसके बारे में आप लोगों को वर्णन करना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर जाएं और जरूरत हो तभी बाहर जाएं। धन्यवाद।